हाय एवरीवन। तो फाइनली अगर हम इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करें तो नेपाल की पार्लियामेंट में जो लोअर हाउस है जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी बोला जाता है, तो इन्होंने जो नेपाल का पॉलिटिकल मैप है इसको अपडेट करने के लिए जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको अप्रूवल दे दिया है, यूनानिमसली पास किया है। और अब इससे क्या होगा, जो भी इंडिया के जो उत्तराखंड रीजन का जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पर काला पानी रीजन और हमारा लिपू लेख एंड लिम्पियाधुरा, तो ये नेपालियन मैप में वो शो करेंगे, ठीक है। तो इससे ये चीज़ उन्होंने की है। और यहाँ पे ये आपको मेंबर्स दिख रहे हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, नेपाल का जो लोअर हाउस है यहाँ पे, ठीक है। 13 जून 2020 को उन्होंने ये किया है और 275 मेंबर इसके हैं, 275 मेंबर्स हैं एंड 2/3 मेजॉरिटी वॉज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ये है कि नेपाल की जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं ऑलमोस्ट सब ने इसको अपना अप्रूवल दिया है, चाहे वो नेपाली कांग्रेस हो या फिर वो जो राष्ट्रीय जनता पार्टी है ऑफ नेपाल या फिर जो राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी है, ठीक है, नेपाल की, तो इन्होंने सबने समर्थन दिया है तब जाके ये पास हुआ है। अब जो भी ये जो बिल है इसको जैसे लोअर हाउस में अप्रूवल मिल गया है तो अब ये कहाँ जाएगा, अपर हाउस में, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे लोअर हाउस क्या है, लोकसभा, तो लोकसभा से कोई बिल पास होता है तो फिर वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पास होता है तो फिर प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाता है। तो इसी तरह पे यहाँ से जो अपर हाउस में जाएगा नेशनल असेंबली में जाएगा और नेशनल असेंबली में भी इसको कठिनाई नहीं होगी पास होने में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2/3 जो मेजॉरिटी है वो रूलिंग गवर्नमेंट की ही है, केपी ओली की गवर्नमेंट की, तो इसलिए आसानी से इसे पास करा देंगे। फिर ये यहाँ से जाएगा प्रेसिडेंट के असेंट के लिए और प्रेसिडेंट अगर अपना असेंट इसे दे देते हैं तो ये उनके जो नेपालियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से जो भी हमारी बातचीत चल रही थी नेपाल के साथ, साइडलाइंस जो डिप्लोमेटिक टॉक्स डायलॉग्स जो चल रहे थे तो उनको दरकिनार करके और ये सारे मतलब उन्होंने एक एग्रेसिव स्टेप ये उठाया है। और काला पानी लिम्पियाधुरा लिपू लेख जो है अभी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तराखंड का, यहाँ पे वही चीज़ है ना। तो ये सब चीज़ है नेपाल विच विल बी इंक्लूडेड इन नेपाल्स नेशनल एम्बलम एंड ये सब इन्होंने बोला है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास्ड विद 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है। जो यहाँ के प्रतिनिधि सभा के जो स्पीकर हैं अग्नि सपकोटा, इनका ये स्टेटमेंट है। हमारी जो इंडिया की स्टेटमेंट है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो इंडिया की जो स्पोक पर्सन है अनुराग श्रीवास्तव, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है ये आप देख सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू नेपाल हैज़ पास्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल फॉर चेंजिंग द मैप ऑफ नेपाल टू इंक्लूड पार्ट्स ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड वी हैव ऑलरेडी मेड आर पोजिशन क्लियर ऑन दिस मैटर, ठीक है। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन अनुराग श्रीवास्तव का ऐसा कहना है कि दिस आर्टिफिशियल इनलार्जमेंट ऑफ क्लेम्स इज नॉट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स और एविडेंसेज एंड इज नॉट टेनेबल एंड इट इज़ ऑल्सो वायलेटिव ऑफ आर करेंट अंडरस्टैंडिंग टू होल्ड टॉक्स ऑन आउटस्टैंडिंग बाउंड्री इशू, ठीक है। तो ये चीज़ बोली गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है जो डिप्लोमेटिक फॉल आउट हुआ है ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट की वजह से ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। और जो फॉरेन मिनिस्टर नेपाली कमेंटेटर है रमेश नाथ पांडे, उन्होंने मतलब ये बोला है कि डिफ़िकल्ट डेज अहेड फॉर नेपाल इंडिया रिलेशन एज वेल एज फॉर साउथ एशिया रीजन, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा साउथ एशियन रीजन में ये पूरी जो स्टेबिलिटी थी ये इससे मतलब बिल्कुल बेकार हो जाएगी, क्योंकि अभी जो इंडो नेपाल बॉर्डर नेगोशिएशन है विल बी ऑल द मोर कॉम्प्लिकेटेड एज सेक्रेटरीज हैव नो राइट टू नेगोशिएट ऑन द प्रोविजन ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब सेक्रेटरी लेवल पे जो बातचीत होनी थी वो सब चीज़ें नहीं होंगी और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये सिचुएशन बुरी हो गई है। एंड मेन जो रीजन है यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये नेपाल है और ये इंडिया है। यहाँ पे धाराचूला के रीजन में ये बताता है कि काला पानी है नेपाल का, ठीक है, लेकिन ये काला पानी हमारा इंडिया के पास में है। बाकी के आपको ये देखना होगा कि ये इंडिया के मैप में था, ठीक है। ये लिम्पियाधुरा है, लिम्पियाधुरा एंड द ईस्ट बैंक ऑफ द काली रिवर बिलो लिम्पियाधुरा विच इज सपोज टू बी इन नेपाल एज पर द सगोली ट्रीटी 1816, तो इनका ऐसा कहना है। एंड द 66 स्क्वायर किलोमीटर लिपू लेक कालापानी वैली शोन एज पार्ट ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट मैप रिलीज ऑन 2 नवंबर, तो और ये क्या है, लिपू लेक यहाँ पे, ठीक है, ये लिपू लेक हो गया, कालापानी हो गया। तो ये चीज़ अभी जितना ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये नेपाल ने अपने पॉलिटिकल मैप में इस पार्ट को मतलब हटा के हमारे मैप से हटा के यहाँ पे वो डालना चाहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये हो रहा है नेपाल का। एंड मतलब ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ वो भी पता होना चाहिए। ये कल वाला जो हम एडिटोरियल है वो डिस्कस करेंगे क्योंकि नेपाल से रिलेटेड ये था। अब ये जो स्टार्ट हुआ था 8th ऑफ मई को क्या हुआ था, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं तो उन्होंने
उत्तराखंड के लिपुलेख पास को जो धारचूला से जो जोड़ने वाली जो स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट वाली जो 80 किलोमीटर लंबी जो रोड है तो उसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, तो उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच में क्या होने लग गए थे, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे, नेपाल में प्रोटेस्ट भी स्टार्ट होने लग गए थे। अब ये जो ड्रॉइंग द लाइन आर्टिकल है ये श्याम सरन द्वारा लिखा गया है और ये क्या रहे हैं, इंडियाज एम्बेसडर टू नेपाल भी रहे हैं 2002 से 2004 तक। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से इंडिया और नेपाल के रिलेशन को समझाया है, कोशिश की है, क्योंकि अभी नेपाल जो ये सारे जो क्लेम कर रहे हैं ना कि न्यू पॉलिटिकल मैप और उसमें हमारे रीजन को दिखाना, तो वो कुछ हिस्टोरिकल बेसिस पे दिखा रहा है लेकिन उनके जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उनमें क्लैरिटी नहीं है, उन्होंने डेप्थ में हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है। तो उन्होंने यही चीज़ें यहाँ पे समझाई हैं कि मतलब अब अगर हम मतलब इंडिया नेपाल की बात करें तो वहाँ के जो लोअर हाउस है उन्होंने ये जो बिल टेबल किया है यूनानिमसली अप्रूव भी हो गया है, लेकिन अभी बाकी है कि मतलब वो उसके अभी अपर हाउस और जो हाउस ऑफ नेशनल असेंबली है प्रेसिडेंट का असेंट अभी मिलना बाकी है। तो अभी बस क्या है, जो 400 स्क्वायर किलोमीटर जो इंडिया की टेरिटरी है अपने मैप में इन्होंने दिखा दिया है। और बार बार जो नेपाल के जो ये फॉरेन मिनिस्टर है प्रदीप कुमार गेवाली, तो इन्होंने डिक्लेयर किया था वी आर फ्रॉम स्टार्टिंग डायलॉग सून, है ना, लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया, डायलॉग की जगह पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, एंड द प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व थ्रू डिप्लोमेसी। तो बार बार इन्होंने यही चीज़ पे एम्फसाइज किया था कि डिप्लोमेसी के थ्रू ही हम बातचीत करेंगे और जो भी डायलॉग होंगे वो किस पे बेसिस होंगे, हिस्टोरिकल बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे ही हम सारे अपने जो भी पॉइंट्स हैं वो रखेंगे। अब जब हिस्टोरिकल फैक्ट्स की ही बात यहाँ पे हो रही है तो यहाँ पे ये बोला गया है कि सबसे पहले जब सुगोली की ट्रीटी 1816 में हुई थी, एंग्लो नेपाल ट्रीटी, तो उस टाइम पे काली रिवर जो था वो ब्रिटिश इंडिया एंड नेपाल के वेस्टर्न बाउंड्री उसको माना गया। ठीक है, तो उस टाइम पे फिर उसके बाद 1879 में क्या हुआ था, बहुत सारे सर्वेस कंडक्ट किए गए थे जिसमें जो बोला गया कि जो बाउंड्री है केवल वो कहाँ तक है, वेस्ट ऑफ द टिंकर पास, ठीक है, वहीं तक लिमिटेड है। फिर इंडिया क्या क्लेम करता है कि जो काली रिवर का जो ओरिजिन है वो काला पानी नेचुरल स्प्रिंग से होता है और फिर वो क्या करती है, इट इज़ ज्वाइंड बाय अ रिवलेट फ्लोइंग डाउन फ्रॉम लिपुलेख पास। ठीक है, तो इस वाली बात को कभी भी चैलेंज नहीं किया गया 1990 तक, मतलब ये चैलेंज नहीं किया गया। इनफैक्ट नेपाली मैप्स हैव ऑल अलोंग रिफ्लेक्टेड द सेम अलाइनमेंट, तो नेपाली भी जो थे यही चीज़ वो मानने लग गए थे, जैसा मैप हमारा था वैसा उनका था। फिर बाद में मतलब धीरे धीरे इस चीज़ पे थोड़ा बहुत फोकस किया गया। अब उसके बाद जब आपको पता है कि जो चाइना है तो चाइना ने 1950s के अराउंड में तिब्बत पे कब्ज़ा कर लिया था। ठीक है, तो जब तिब्बत को ऑक्यूपाई किया था तो नेपाल के कंसेंट से, ठीक है, नेपाल के कंसेंट से हमने क्या किया, वहाँ पे कुछ जो पोस्ट थी स्ट्रैटेजिक पोस्ट जिसको बोला गया स्ट्रिंग ऑफ मिलिट्री कम पुलिस पोस्ट, ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया था, तो वो हमने वहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट कर दी थी। कहाँ पे, नेपाल चाइना के बॉर्डर पे, नेपाल के कंसेंट से ही किया था, लेकिन बाद में जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनको झेलना पड़ा, तो इस वजह से उन्होंने जो महेंद्र है नेपाली किंग जो महेंद्र था उनके कहने पर इंडिया को सारी पोस्ट को विदड्रॉ करने को कह दिया था नेपाली टेरिटरी से। उस टाइम पर जो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी जी, ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने फिर सारी जितने भी थी उनको विड्रॉ किया वहां से। इस वाले पॉइंट मतलब करीब 17 से 18 पोस्ट क्रिएट की गई थी हमारे द्वारा और 1969 तक ये रही थी, बाद में इंदिरा गांधी जी के द्वारा इनको विड्रॉ कर दिया गया था। ठीक है, अब जो विड्रॉ कर दिया गया था लेकिन जो काला पानी वाला जो रीजन था इंडिया का जो पार्ट है वो नेपाली लिस्ट में कभी भी इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है, तो उस टाइम पे ये राजा जो महेंद्र है उसको उनको पूछा गया कि मतलब आपने इस चीज़ पे क्यों नहीं इसको इंक्लूड किया है, इसमें नेपाली जो लिस्ट है इस पोस्ट को क्यों नहीं इंक्लूड किया, चैलेंज क्यों नहीं किया, तो उसने यही पॉइंट आउट किया कि जो इंडिया की मतलब कुछ सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर वो सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा कि कहीं चाइना का इंटरवेंशन नहीं हो जाए, जो एक्सेस है लिपुलेख में और या फिर काला पानी में है वो सब मिलेगा, तो इस वजह से हमने ये किया है। तो एक तरह से हमने क्या किया, एक्ट ऑफ जेनरोसिटी ये इंडिया के लिए शो किया है। ठीक है, तो इसमें मतलब यही बोला गया है कि जेनरोसिटी की तो हमें ज़रूरत तब होती ना जब मतलब कुछ चाइना हम पे अटैक कर रहा होता, लेकिन चाइना पे खुद ही उस टाइम पे 1961 मतलब के अराउंड वहाँ पे क्या रहा था, जो
कल्चर रिवॉल्यूशन, ठीक है, 1969 में आपको पता है वहाँ पे संस्कृति क्रांति वहाँ पे हो रही थी। तो जो वहाँ का जो हमारा सेंट्रल सेक्टर है ना, जिसको मैं हम बार बार पढ़ते हैं मिडिल सेक्टर, जो उत्तराखंड वाला रीजन है, तो यहाँ ये वाला सेक्टर लीस्ट डिस्प्यूटेड था, क्योंकि जो बॉर्डर था इंडिया चाइना का वहाँ पर लिमिटेड एक्टिविटी चल रही थी। तो ये चीज़ है कि हमें उस टाइम पर मतलब जो राजा महेंद्र है, किंग महेंद्र, इनकी जनरोसिटी की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कम विवाद हो रहा था। फिर क्या हुआ, 1961 में जो चाइना और नेपाल है तो उनके बीच में भी एक बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें बोला गया आर्टिकल 1 के अंतर्गत बोला गया एक्सट्रीमिटी, ठीक है, एक्सट्रीमिटी के बारे में बोला गया, ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी। तो ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी के बाद भी जो काफ़ी सारे जो मतलब टर्म थे, जैसे पिलर नंबर 1 है ना, तो उन्होंने वो क्या बोल दिए कि ये हमारे हैं, और साथ में जैसे ज़ीरो बॉर्डर पिलर है, जहाँ जो ट्राई जंक्शन बोला जाता है नेपाल इंडिया चाइना का, तो ये भी मतलब बोला गया कि फिक्स नहीं किया गया इसको। फिर जो चौथा इसमें पॉइंट बोला गया था इस आर्टिकल में, वो यही बोला गया था कि इंडिया एंड चाइना के जो रिलेशन है, मतलब इंडिया चाइना ने 1954 में क्या किया, तिब्बत के बीच में ट्रेड और ट्रांजिट हो पाए, तो 6 बॉर्डर पासेस को एक मतलब लिस्ट उन्होंने बनाई थी, ठीक है, जिसमें लिपुलेख पास वाज आल्सो इंक्लूडेड। तो फिर वहाँ पे जो थे नेपाल में, तभी भी कोई प्रोटेस्ट नहीं हुए थे, मतलब फॉर्मली कुछ नहीं हुए थे, लेकिन प्रोटेस्ट फॉर्मली वहाँ पे कब शुरू होना स्टार्ट हुए, 2015 में, जब क्या हुआ, जब इंडिया और चाइना ने MOU साइन कर लिया था कि वो क्या कर सकते हैं, लिपुलेख पास का बॉर्डर ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो तब जाके नेपाल को मतलब ये उसी प्रकार हो गया कि एक आपके भाई आपके लिए चॉकलेट लेके आया था 10 साल पहले और आपको अभी याद आ रहा है, तो आप उससे वो उसकी वजह से आप लड़ोगे कि वो चॉकलेट मेरी थी, ठीक है, जबकि वो चॉकलेट आपके लिए नहीं थी, उसी के लिए थी। तो यही चीज़ अभी नेपाल कर रहा है कि 2015 में अब उसने ऑफिशियली ये प्रोटेस्ट भी करना स्टार्ट किए हैं, और वो अपनी टेरिटरी मतलब जो इंडिया की है उसको अपनी टेरिटरी बोल रहा है, क्लेम कर रहा है, और इसी वजह से सारे जो डिस्प्यूट हैं ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि इनफैक्ट्स आर टू बी द बेसिस फॉर एन इवेंट सॉल्यूशन, वन होप्स दैट दे वुड नॉट बी यूज सेलेक्टिवली, ठीक है, अभी जो अगर इसमें जो कुछ भी सेटलमेंट वगैरह होता है तो उसमें सेलेक्टिव अप्रोच नहीं अपनानी है। इंडिया एंड नेपाल के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और नेपाल के जो शॉर्ट साइटेड लीडर्स हैं उनकी वजह से मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड वट कुड कन्वे नेपाल की, नेपाल को हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है आपको प्रिविलेज्ड है कुछ कि आप काला पानी रीजन में एक्सेस कर सकते हो फॉर ट्रेड और तीर्थ यात्रा से रिलेटेड, और नेपाली जो सिटीजन हैं वो भी परमिट किए जा सकते हैं, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए गए हैं इन दिस और अदर बॉर्डर एरियाज फॉर ईजियर एक्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ टू अनदर, ठीक है, नेपाल के एक पार्ट से टू अनदर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यही चीज़ बोली गई है कि जो भी मतलब वहाँ पे नेपाल की एफिनिटी है विद इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स हिंदू हेरिटेज इज सफिशिएंट टू कंसोलिडेट पॉलिटिकल रिलेशन विद दैट कंट्री, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं, और नेपाल जो है क्योंकि जो हमारे NK नरवाने हैं तो उन्होंने भी ये बोला था कि ये इन द बिहेस्ट ऑफ समवन, है ना, तो चाइना के कहने पर नेपाल ये सब चीज़ें कर रहा है, और चाइना के कहने पर ही नेपाल ने मतलब क्या कहा कि इंडिया का जो कोरोना वायरस है वो इट इज़ मोर लीथल देन द कोरोना वायरस ऑफ चाइना, ठीक है, तो और COVID-19 के जो केसेस हैं वो भी चाइना से नहीं बल्कि कहाँ से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं। तो इस प्रकार की वो जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने दी है, और जो योगी आदित्यनाथ UP के CM हैं उनकी स्टेटमेंट को भी मतलब बोला कि उनको जाके कोई समझाए कि हमारे जो इंटरनल मतलब ये जो मैटर है इस पर बातचीत करना सही नहीं है। तो यही कुछ रिलेशन है जो ख़राब हो रहे हैं। और हिस्टोरिकल फैक्ट्स की अगर बात करें तो हमें ऑलरेडी पता चल गया है कि मतलब क्या चीज़ थी एक्चुअल में, ठीक है, तो बस इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।